हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बैटिंग टिप्स देने वाला हूं दोस्तों। माइकरियर मोड में आप कैसा अच्छी तरीके से खेल सकते हैं और अंत तक बने रहकर आप मैच को भी जीता सकते हैं, ऐसा मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आप क्विक मैच खेलते हो वैसे अगर माइकरियर मोड के ऊपर भी अगर खेलना चाहते हो तो आप नहीं खेल सकते दोस्तों, क्योंकि क्विक मैच में आप लोगों को 10 विकेट हाथ में होता है दोस्तों। अगर आप एक विकेट भी खो लिया, मतलब एक विकेट भी अगर आप गिर गया तो दूसरा विकेट से आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि आपके पास और भी 9 विकेट है, मतलब आराम से खेल सकेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप माइकरियर मोड में अगर आप उस तरीके से खेलना चाहते हैं तो उस तरीके से नहीं खेल सकेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको माइकरियर मोड में सिर्फ एक ही विकेट से खेलना पड़ता है दोस्तों। अगर आप एक विकेट अगर आपने खो लिया तो आप मैच हार भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका टीम पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप छोटा सा गलती भी कर दिया तो आपका टीम हार भी सकता है और आप लोगों को जो नेशनल पॉइंट्स मतलब जो भी मिले वो भी आप खो सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों, माइकरियर मोड में आप लोगों को टिप्स फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वही टिप्स मैं आप लोगों को लेकर आ गया दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखते रहेगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उससे मोटिवेट होते हैं और आप लोगों का ऐसा ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला हूँ आप कैसा छक्का मार सकते हैं, आप कैसा चौका मार सकते हैं। देखो यार, परफेक्ट शॉट अगर आया तो आप लोगों को कितना भी बड़ा स्टेडियम हो आप लोगों को छक्का तो मिल ही जाएगा। तो परफेक्ट शॉट लगाओ और छक्का पाओ। लेकिन दोस्तों, माइकरियर मोड में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को परफेक्ट शॉट लगाना है तो आप लोगों को पहला 20 रन बनाना पड़ता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मतलब 20 रन तक आप लोगों को आराम से खेलना पड़ता है दोस्तों। जितना आप आराम से खेलेंगे, मतलब आराम से खेलेंगे 20 रन तक तो आराम से खेलिएगा दोस्तों। जब आप 20 रन बना देंगे तो उसके बाद से आपका बॉल से बैट आना मतलब कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा होगा और आप बड़े रन बना सकेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, क्वेरियर मोड में आप लोगों को टिके रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप मतलब ऐसे ही मार नहीं सकते, क्योंकि जब क्विक मैच में खेलते हैं तो आप लोगों को 10 विकेट हाथ में होते हैं, लेकिन इधर आप लोगों को एक ही विकेट रहता है दोस्तों। तो आप लोगों को एक ही विकेट से खेलना पड़ता है दोस्तों। अगर आप इतना सा भी गलती कर दिया तो टीम तो कुछ भी नहीं करने वाले दोस्तों। जितना आपने रन बनाए उससे 10-5 रन ही बनाएगा दोस्तों, उससे आप मैच हार जाएंगे और जो आपका नेशनल पॉइंट्स या लीगल पॉइंट्स वो मिलते हैं वो भी आप खो सकते हैं दोस्तों, अगर आप मैच हार जाएंगे तो। इसीलिए आपको अंत तक टिके रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा, आराम से खेलना पड़ेगा, पहले थोड़ा धीमे शुरुआत करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद आप बहुत ही सारा रन बना पाएंगे दोस्तों। क्योंकि जब आप 20 रन बना पाएंगे, मतलब 20 रन बना दिया, आराम से करना पड़ेगा दोस्तों, आराम से। अगर आप 20 रन बनाने के बाद आपको जो कनेक्ट है बॉल से आपका बैट कनेक्ट होना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और आप आराम से बहुत ही ज्यादा रन बना पाएंगे दोस्तों। और आप लोगों का जो रन है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा दोस्तों। और ज्यादा कोशिश करिएगा, मतलब ज्यादा मारने की मत कोशिश करिएगा दोस्तों, जितना हो सके जल्दी से मतलब जीतने की कोशिश करिएगा दोस्तों, टीम को जिताने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं दोस्तों। वो टिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप माइकरियर मोड में एक अच्छा बैट्समैन बनना चाहते तो ये टिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, वो टिप ये है कि आप लोगों को अंत तक बने रहना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कम रन से भी हार जाएंगे या जल्दी आउट हो जाएंगे तो आप लोगों को टीम कुछ भी नहीं करने वाला दोस्तों। आपका ही पूरे के पूरा आपके टीम आपके ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप इतना सा भी गलती कर दिया तो आप मैच हार जाएंगे। तो अंत तक टिके रहना ही पड़ेगा दोस्तों। आप लोगों को जितना हो सके संभाल कर खेलिएगा दोस्तों, उसके बाद से आप रन बनाने शुरू करिएगा दोस्तों। अगर आप 20 ओवर का मैच है तो 5 ओवर संभाल कर खेलिएगा दोस्तों, उसके बाद से मारना शुरू करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं और एक टिप देने वाला हूँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। तो मैंने बोला आप लोगों को संभाल कर खेलने के लिए बोला दोस्तों, लेकिन आप कैसे संभाल कर खेलेंगे इसके बारे में मैं ये टिप देने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को गैप ढूंढना है दोस्तों। अगर आप लोगों को मारना है, बहुत ही ज्यादा शॉट मारने की जरूरत है, तो आप लोगों को गैप के ऊपर मारना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप लोगों को जिधर गैप मिले उधर मारने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लॉफ्टेड शॉट यूज करना चाहते हैं तो लॉफ्टेड शॉट सिर्फ और सिर्फ गैप पर यूज करिएगा दोस्तों। जिधर गैप है उधर ही मारना शुरू करिएगा दोस्तों, वो फील्डिंग पर ही डिपेंड करते हैं, उससे आप आउट नहीं होंगे दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा फायदा है दोस्तों। और आप लोगों को जो रन मिलना है वो भी बहुत ही आसान से मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यही 2-3 टिप मैंने आप लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आए तो जल्दी से जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और दोस्तों, इसके बाद मैं बॉलिंग टिप्स भी लेकर आने वाला हूं दोस्तों, तो उसके लिए आप लोगों को जल्दी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को तुरंत देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, टिप्स फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आप अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हैं माइकरियर मोड के ऊपर, क्योंकि सारा खेल बैट्समैन के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। आप विकेट लेकर उतना ज़्यादा कर नहीं पाते हैं।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को सारा टिप समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई भी टिप आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, अलविदा।